फर्स्ट ड्राइव किड्स वेयर धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के नशेमन कॉलोनी के रहने वाले नूरुल हक उर्फ पप्पू अपने बेटे मोहम्मद यहिया का जन्म प्रमाण पत्र में स्पेलिंग गलत होने की वजह से उसे ठीक कराने के लिए करीब 2 साल से मुमरा प्रभाग समिति के चक्कर लगा रहे हैं मगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। नूरुल हक ने कर्मचारी पर भी गलत तरीके से व्यवहार करने का आरोप लगाया है। नूरुल हक ने इसके लिए शानू पठान को भी मुमरा प्रभाग समिति में बुलाया और शानू पठान ने एएमसी सागर चालुंके से भी इस मसले पर मुलाकात की और कर्मचारी जो ड्यूटी करता है उसे भी जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाने को कहा है। बहरहाल नूरुल हक के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र में जो खामियां थी उसे भी अब मनपा दुरुस्त करने के लिए कही है। और भी ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो स्पेलिंग गलत होने की वजह से परेशान है, उनकी भी खामियां दूर करने के लिए उनमें सुधार लाने के लिए सानू पठान ने मनपा के कर्मचारियों के साथ मीटिंग करने की भी बात कही है ताकि नूरुल हक की तरह मुमरा प्रभाग समिति के चक्कर लोगों को ना लगाने पड़े। आज किस तरह से मुमरा प्रभाग समिति में सानू पठान पहुँचे और किस तरह से वहाँ मनपा के कर्मचारियों से बात की और क्या कहा है नूरुल हक ने सुनिए। 2018 का रिकॉर्ड है ये अभी का रिकॉर्ड है। तुम्हारा बात क्या थी, तुमने क्या बोले थे इससे पहले? बराबर क्या बोले थे मुझसे बोलो। 2018 के रिकॉर्ड में इनने मिस्टेक की होंगे इसलिए ऐसा है। ऐसा बराबर ये है रिकॉर्ड में मिस्टेक, मेरे को मालूम है, मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ महानगर पालिका का कामकाज, मुझे मालूम था इनकी मिस्टेक नहीं होंगी क्योंकि एक आदमी अपने बच्चे का ना एकदम जो सर्टिफिकेट है ना जिस माँ बाप को पढ़ा लिखा नहीं आता ना तो बेचारे किसी पढ़े लिखे के पास जाके भरवाता है कि उसके बच्चे के सर्टिफिकेट में कोई गलती ना हो जाए। बराबर है, मैं क्या बोलूं, बराबर है ना। उसके बाद तुमने मेरे को भी क्या बोले थोड़ी देर पहले, साहब बोले ये तो अभी का फॉर्म है, ये फॉर्म की डेट क्या है? बराबर तुमने बोले 2018 का फॉर्म के ऊपर देखो, ये देखो 2018 का फॉर्म। अब उसके ऊपर तुम्हारी मिस्टेक क्या लिख ली, एम ई डी, तुमने यहाँ लिख दिया एम ए डी। अब उसमें पूरा सरनेम चेंज हो गया, सरनेम चेंज होने से उसके बाद उसको गैजेट किए बिना उसको आगे के राशन कार्ड पासपोर्ट उत्पन्न दाखला रहवासी दाखला सारे में तक दिक्कत। मतलब एक आपकी ठीक है, मैं ही बोलता हूँ, एक आप डिपार्टमेंट में और अपने नॉन मुस्लिम को स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो मेरी कोई शिकायत नहीं है, तुम उसके नहीं करो, लेकिन कोई आ रहा है तो उसको सुधार के दो। और फिर ऊपर से बदतमीजी करोगे महिलाओं से, याद रखना मैं तुमको साफ बोलता हूँ, मैंने प्रूफ करके रखा, अगर एक भी महिला से पेरेंट्स से बदतमीजी हुई इसकी शिकायत हुई तो घर पे ही बैठना पड़ेगा। ये मेरा एकदम स्ट्रिक्टली कर पे बोल के जा रहा हूँ, स्ट्रिक्टली। तुम अधिकारी है, मेहनत कर रहे, काम कर रहे, मुझे सिर्फ तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करना है, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे इतना बोलना चाहता हूँ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी चूक है, उसके लिए पब्लिक को हरेसमेंट मत करो और ना ही उनको दौड़ाओ ना ही उनको गैजेट करने बोलो, गलती तुम्हारी है, उसके बाद उनको बिठाओ और पानी पिलाओ और बोला गलती हो गई, एक काम करो गलती हो गई, आइंदा से गलती नहीं होगी, गलती नहीं हो तुम्हारे, मुझे तुम बोल रहे हैं, मुझे, मैं विरोधी पक्ष नेता, तुम मुझे बोल रहे हैं कि 2018 में इनकी फॉर्म में गलती थी, तो मैंने बोला 2018 में गलती थी ना, तो मैंने बोला फॉर्म निकालो। अब जब 2018 का फॉर्म निकाला तो उसके बाद उसमें क्या आ रहा है, एम ई डी, और ये लिख रहे क्या है, एम ई डी, मतलब गलती पेरेंट्स की नहीं है, मुझे मालूम था और तुमको भी मालूम होना चाहिए। सर मैं एक मिनट बोल लेता हूँ, अभी 3 महीना हो गया मेरे को जन्म का चार्ज मिले, मेरे को क्या, मेरी बात समझ, तो मैं क्या बोलेगा, पहला वाला मेरी बात समझो, तुम मेरी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है, तुम है ना व्यक्ति हो, मेरी लड़ाई सिस्टम से, और तुम एक सिस्टम का हिस्सा हो, तुम गए ये आए, मैं मेरी लड़ाई सिस्टम से चल रही, मैं जो शिकायत कर रहा हूँ सिस्टम पे कर रहा हूँ। आपने आपके पास आए वो बोल रहा है नया फॉर्म भरा, उनका फर्ज क्या था, नया फॉर्म भर दिया, उसके बावजूद भी तुम उसको बोलते हो
आठ दिन बाद आओ, परसों आओ, गैजेट आओ, ठीक है? तुम्हारे तीन महीने पहले आई, तुम तीन महीने पहले आए, तीन महीने पहले, तो तुम डॉक्यूमेंट्स तो है ना, एक फॉर्म आपको अभी भर के दे दिया, उसमें उन्होंने वो बोल रहे चलो, वो ये भी नहीं तुमसे आर्ग्यूमेंट करा कि गलती तुम्हारी है, वो तुमको नया फॉर्म भर के दे रहे, उसको सुधार के दे दो ना। मगर जन्मोत्सव के बच्चे का इसमें करेंगे करेंगे ले आ रहे थे ना अधिकार सचिव को, कूटे सचिव बुलाओ, सचिव कूटे सलीम भाई, सचिव को बुलाओ, यांच्या कडे अधिकार आहेत, गावडे साहेब कोण आहेत, गावडे साहेब आहेत की नाही अधिकार, बिचारा लाव फोन, फोन लावा, सब रजिस्टर लाव फोन, तुम्हारी गलती और उसके बाद बोलते हम को नहीं कर सकते, लाव फोन नुस्ता पूरा नाम नहीं वर्ड स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं लोग साफ बता रहा है 2018 का और अभी वाघमारे पूर्ण नाव बदल करू शकत नहीं परंतु जर स्पेलिंग मिस्टेक है अधीक्षक अधिकार है और गलती भी इनकी मतलब गलती भी इनकी है तुम्हारी गलती पब्लिक क्वेश्चन और बोलते करके नहीं दूंगा और गैजेट ला उसकी बहन को बोला आपकी इनकी बहन को बोले ना तुमने इनकी बहन को बोले ना बड़े इनकी बहन को बोले ना कि करके नहीं दूंगा तभी तो उनकी बहन फोन करे हेलो गावड़ी साहब हेलो बुढ़ा कुटे हेलो हाँ शालू पटेल साहब से बात करते हैं किधर है वो बताओ हाँ कुटे तुम्हें हेलो कुटे कोर्टा मध्य करके उनको बात कर सलीम भाई बुला के लो मेरी बात सुनो अगर आज की बात मुमरा कोसा की एक भी पब्लिक को आवाम को तकलीफ हुई और स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर तुमने परेशान किए तो बाद में मुझे मत बोलना बाद में मुझे मत बोलना एक भी महिला को अगर देखो मैं आपको क्या बोलता ना आप इंसान मैं इंसान हूँ इंसानों से गलती होती है गलती की मुझे आपके ऊपर कोई मुझे उसके ऊपर आपको उसके लिए कोई अपनी तकरार नहीं करना है मुझे उसकी कोई वो भी नहीं रुक भी नहीं ठीक है गलती होना गलती हो गई ठीक है लेकिन गलती तुम्हारी है तो विचार पब्लिक तो सुधार के दो ना गलती तुम्हारी यहाँ साफ दिख रही है ऊपर से तुम मुझसे भी आर्गुमेंट कर रहे कि सर 2018 के फॉर्म में उनका पहले तुमने क्या बोले झूठ नहीं बोलना पेरेंट्स की गलती है तुमने बोले पेरेंट्स ने लिखा है MAD तो मैंने बोला पेरेंट्स ने तो अगर MAD लिखा है तो 2018 का दाखिला दिखाओ मुझे तो दाखला में आया क्या MAD अब जब उनके दाखले में MAD है तो क्या करोगे तुम ऐसे कितने लोगों को तुम परेशान करके ले रहे और फिर गैजेट कराने आते लोग 12-15 सौ गैजेट खरीदना है खर्चा करेगा शायद तुम अधिकारी की गलती ऊपर से गैजेट पब्लिक करेगी ये 12 नहीं होना चाहिए अपने पास ये मेरे कार्यकाल में तो दिखना नहीं चाहिए दिखाई दिया कोई कंप्लेंट किया तो बाद में बोलना मत करके अभी क्या भी लो क्या नाम है आपका मेरा नाम अनुराग चौधरी है यहाँ पर आप आए थे क्या आपको परेशानी थी क्या मिस्टेक हुआ था कागजात एक्चुअली ऐसा है सलामुद्दीन भाई मेरी सिस्टर जो है मतलब कई दिनों से बोल रही है लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पाए उसमें कुछ इन्होंने मिस्टेक करके क्या दिया था? पेपर क्या चीज का वो बच्चे का जो लिविंग रहता है तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक था एड्रेस का था दो तीन था तो कल वो आई यहाँ पे तो उन्होंने बताया कि ये मिस्टेक है इसको सही करके दो तो वहाँ पे कोई था नीचे अधिकारी तो बोला ठीक है आप ये फॉर्म भर के लाओ तो मैं आज वो फॉर्म भर के लाया वो नहीं आ पाई मैं खुद आया मैंने बोला इसको जो है आप सही करके दो ये वो तो नीचे जो वाघ मारे घर के अधिकारी है उसने बोला ऐसा नहीं होता है ये सब अरे बोला गलती आप कर रहे हो इसको आप सही करके दो तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है वो मतलब चिल्लाने लगा एकदम गलत लगे बोला ये गलत कर रहे हो हाँ मैं बोला ये आप गलत कर रहे हो फिर उतने में शानू भाई फोन किया मैंने तो आज कितने दिन से आपको यहाँ ये नाम सही कराने के लिए दौड़ाया जा रहा था तो मतलब वो काफ़ी टाइम हो गया अभी 2018 का आए देखिए आप उसमें इन्होंने दिया है मुझे 2018 मतलब वो एक दो बार और आके गई यानी दो साल से आप चक्कर दो साल से मतलब तो मैंने जो इनकी गलतियों का तो लेकिन अभी वहाँ प्रॉब्लम आ रहा है स्कूल में कि आप इसको सही करके लाओ फिर आगे ग्रेजुएट करना पड़ेगा पासपोर्ट में ये वो दुनिया भर का प्रॉब्लम आता है तो मैं बोला कल जाओ वो करके देंगे तो आज मैं आया फिर वो करने को तैयार नहीं ठीक अभी शानू भाई जब यहाँ पर आए तो उसके बाद क्या हुआ बनाने के लिए सही करने के लिए राजी हुए या नहीं हुए शानू भाई आए मैंने शानू भाई से अधिकारी से बात कराया फ़ोन पे तो उन्होंने मतलब अपनी गलती माना नहीं तो शानू भाई ने बोला जो 18 में जो पेरेंट्स फॉर्म देते हैं वो फॉर्म निकालो
तो वो फॉर्म जब उन्होंने निकाला तो उसमें बराबर पेरेंट्स ने लिख के दिया था जो मोहम्मद में वो आता है, इन्होंने यू लिख दिया, फिर ई आता है लास्ट में ई डी तो ए लिख दिया, तो करेक्शन मतलब इन्होंने गलती किया। तो शानू भाई उनको यही बोल रहे हैं कि आपकी गलती हुई, आप इसको मानो। आप ऐसे कितने लोगों को धक्का खिलाते हो? ये गलती आपको क्या लगता है जानबूझ के करी जा रही है या अनजाने में? क्योंकि हमारे हिसाब से मोहम्मद हुआ, खान हुआ, यह हर एक के नाम के आगे आने वाली कॉमन चीजें हैं। तो अधिकारी जब इतने साल से वो विभाग संभाल रहे तो उन्हें मालूम होना चाहिए। तो ये जानबूझ के करी जा रही है या परेशान करने के लिए? जानबूझ के की जा रही है ना, फॉर्म निकल गया ना, सब सामने आ गया ना। 2018 में जो मतलब सिस्टर ने जो फॉर्म दी थी उसमें सामने लिखा हुआ है ना, सामने आ गया ना, पूरा प्रूफ है ना। कहीं ना कहीं आपसे गलत व्यवहार, मतलब गलत तरीके से भी बात हुआ, ये मतलब इन लोग गलत कर रहे हैं। ऐसा आप सोचिए कि कितने लोगों के साथ इन लोग मतलब ऐसा कर रहे होंगे। यहाँ आना जाना कोई शौक है यहाँ पे आने का? तो अभी शानू भाई के आने से आपको वो चीज सही करके दिया जाएगा? हाँ, अभी तो उन्होंने मतलब भरोसा दिलाया कि हम आपको करके देंगे। मेरा बोलने का मतलब ये ऐसा है कि आप ये सब मत करो, तो अच्छी बात नहीं है। इतनी दूर आना जाना, कितने लोगों को धक्के खिला दे। कहीं ना कहीं मतलब अधिकारी ने अपनी गलती मानी है, उसे करेक्शन करके उसे सही तरीके से करके दिया जाएगा। जी।